यो भाई लोग, सभी के मन में अब एक ही सवाल चल रहा है इस वक्त कि भाई इंडस का क्लोज बीटा शुरू हो गया है क्या। तो यार वीडियो के एंड में इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन गुड न्यूज से पहले ना हम बात कर लेते हैं इंडस के बारे में, इंडस के सिनेरियो के बारे में। लाइक यहाँ पर 2023 में इंडस ने क्या किया है, मतलब कि यार जनवरी से लेकर दिसंबर के मंथ में हम आ चुके हैं और भाई पूरा जो ये हमारा ईयर है लगभग खत्म हो चुका है। इस पूरे साल में इंडस ने करा क्या है वो सारी चीजें हम एक बार रिकैप करने वाले हैं इस वीडियो में। सो अगर कोई भी न्यू प्लेयर है ना जिसको कुछ इतना नहीं पता है वो भी सारी चीज जान जाएगा, एंड अगर आप ओल्ड प्लेयर हो इंडस के बारे में आप पहले से ही जानते हो तो आपको तो असली में ही मजा आने वाला है। देखो सबसे अच्छी चीज तो इंडस वालों ने शुरुआत में ही कर दी इस साल के, तो उस वक्त ना भाई यहाँ पर इंडस ने अपना प्रमोशन किया था लंदन की सड़कों पे, वहां पर भाई इंडस का प्रमोशन हुआ था, वहां पर इंडस के होर्डिंग्स लगे हुए थे हर जगह। तो जिसको देखने के बाद ना भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया था मेरे को तो, जब मैंने ये पहली बार देखा था। तो ये चीज हमने देखी थी साल के शुरुआत में। उसके बाद तुरंत ही भाई यहाँ पर फरवरी में हमें देखने को मिला था इंडस गेम का कम्युनिटी प्ले टेस्ट 3 जो की हुआ था भाई सूरत में, और उसी वक्त भाई यहाँ पर स्कारफॉल 2.0 का भी उन्हीं के साथ प्ले टेस्ट हुआ था, उनका पहला प्ले टेस्ट था, एंड इंडस का यहाँ पर कम्युनिटी प्ले टेस्ट था तीसरा। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बंदे ने जाकर दोनों ही गेम को टेस्ट किया था। फरवरी के बाद भाई अगले ही मंथ में यहाँ पर हमें देखने को मिले थे भाई दो न्यू कैरेक्टर, जिसमें से एक तो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है, एंड यहाँ पर जो दूसरे कैरेक्टर है वो यहाँ पर रियल लाइफ शूटर से इंस्पायर्ड है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही कैरेक्टर्स आप अच्छी तरीके से जानते हो। पहली कैरेक्टर तो है मोरनी, हिना सिद्धू की बात करें वो कैरेक्टर भी काफी बढ़िया है, और आपको पता है हिना सिद्धू तो एक रियल पर्सन है जिसको यहाँ पर ऑनर किया था इंडस गेम में एज अ कैरेक्टर। अब इसी के बाद भाई जून में हमें देखने को मिला था इंडस गेम है जो वो स्टफ मैगजीन के फ्रंट पेज पे फीचर हुआ था। तो भाई ये पहली बार हुआ था कि एक इंडियन गेम यहाँ पर फीचर हुआ था स्टफ मैगजीन के फ्रंट पेज पे, तो ये भी काफी बढ़िया बात थी, एंड उसके ऊपर भी मैंने उस समय वीडियो बनाई थी। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ की बात करें ना जुलाई में, तो जुलाई में हमें देखने को मिली थी हमारी व्हीकल जिसका नाम था तूफान, जो कि आप ऑलरेडी मैंने गेम प्लेज में दिखाई हुई है, जो कि है एक होवर बाइक, एंड इसको चलाने में सही में मजा आता है। और इसकी साउंड की बात करूं तो यार एक नंबर साउंड है। अब बात करें नेक्स्ट मंथ की अगस्त की, तो अगस्त में भाई यहाँ पर फाइनली मेन चीज हुई थी जो कि था भाई क्लोज बीटा ट्रेलर। क्लोज बीटा ट्रेलर जब हमने भाई थिएटर में जाकर देखा था ना, क्योंकि मैं वहां गया था उस इवेंट को अटेंड करने, एंड वहां पर मैं मिला था टेक्नो गेमर से भी एंड सौरभ जोशी से भी, जो कि हमारे लिए भाई सरप्राइज था सभी के लिए, बहुत ज्यादा मजा आया था उसमें। एंड जब वो हमने क्लोज बीटा ट्रेलर देखा था ना एक्चुअल पीवीआर में बैठ के, भाई सही बता रहा हूँ सभी के मतलब गूज़बम्प्स आ गए थे, इतना तगड़ा ट्रेलर था, और मैं तो भाई वहां चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया था। तो ये क्लोज बीटा ट्रेलर तो हमने उस वक्त देखा था, एंड मतलब ये मेन इवेंट जो हुआ था ना जिसमें हमें क्लोज बीटा ट्रेलर दिखाया गया था वो था भाई क्रिएटर प्ले टेस्ट, मतलब क्रिएटर प्ले टेस्ट वहां पर हुआ था जिसमें अलग अलग मतलब इंडिया के कोने से 30 क्रिएटर्स को बुलाया गया था जिन्होंने कहा यहाँ पर इंडस गेम को वहां जाकर एक्सपीरियंस किया था, एंड मैंने व्लॉग वगैरह भी बनाए थे, एंड हम होटल वगैरह में रुके थे सब, एंड सबके साथ काफी ज्यादा मजे करे थे हम लोगों ने जितने भी वहां बंदे थे। तो उस चीज में मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया था। एंड फिर हमने क्लोज बीटा का ट्रेलर देखा था वहां पर, जैसे ही क्लोज बीटा का ट्रेलर आया था ना लाइक उसी टाइम में मतलब अगस्त के मंथ में ही यहाँ पर भाई इंडस ने ना क्रॉस कर लिए थे 8 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन अपने प्ले स्टोर पे। ये भाई बहुत बढ़िया चीज है 8 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन, जब मैंने सुना तो मेरे को तो यार काफी बढ़िया लगा था। और एक चीज, अगर अभी तक आपने प्री रजिस्टर नहीं करा तो एक बार जाकर प्ले स्टोर पे प्री रजिस्टर करके आ जाओ। तो सितंबर के मंथ में हुआ भाई यहाँ पर फ्लैश प्ले टेस्ट जो कि अचानक से इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया। यहाँ पर जो पुणे के गेमर्स थे ना उनको इन्होंने तुरंत यहाँ पर मतलब अनाउंसमेंट डाल के बुला लिया, एंड जो भी पुणे से वहाँ खेलने गया था गेम उनको गेम खिला दिया। अचानक से अनाउंसमेंट आई, अचानक से बंदे पहुंचे, अचानक से अगले दिन गेम प्ले पता चल गया कि भाई गेम वगैरह खेला गया है। तो मैंने इसका भी गेम प्ले डाला था चैनल पे, उसमें भी काफी ज्यादा मजा आया था। अब इसके बाद भाई यहाँ पर इंडस ने ये चीज भी बताई थी कि भाई हम लो एंड डिवाइस पे गेम को चलाने वाले हैं, लाइक गेम जो इंडस गेम होने वाला है लो एंड डिवाइस पे चलेगा काफी बढ़िया। बट वो उसी के साथ साथ यहाँ पर ई स्पोर्ट फीचर्स भी डालने लगी थी गेम में, क्योंकि भाई वो करवाने वाले थे इंडस की एक ऑफिशियल टूर्नामेंट, ई स्पोर्ट इन्विटेशनल टूर्नामेंट, जो कि भाई फिर हुई अक्टूबर के मंथ में। एंड अक्टूबर के मंथ में जब ये हुई तो भाई इसमें काफी सारी टीम्स आई थी जो कि काफी पॉपुलर ई स्पोर्ट टीम है, लाइक यहाँ पर ओजी, रेकनिंग, गॉडलाइक और ये सब टीम्स वगैरह आई थी, और हमारी इनसाइडर की भी एक टीम थी। हमने भाई अपना बेस्ट ट्राई करा था, हम जीते तो नहीं थे वहां पर, बट हमने ट्राई पूरा करा था, एंड हमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला था उस समय। एंड जो ये टूर्नामेंट हुई थी इसका प्राइस पूल था भाई 10 लाख रुपए। बट एक चीज ये थी कि इन्होंने यार ई स्पोर्ट की टूर्नामेंट करा दी गेम आने से पहले, ये चीज जब बंदों ने भी सुनी थी तो यार मतलब काफी सारे वो हो गए थे, मतलब बंदे भी अचानक से शॉक में रह गए थे कि यार क्या बोल रहे हैं, ये गेम तो आया नहीं, ई स्पोर्ट करवा रहे हैं। एंड फिर जब बंदों ने ये टूर्नामेंट वगैरह देखी उनको भी काफी ज्यादा मजा आया था। और नवंबर का जो मंथ था भाई वो इंडस्ट्री में सबके लिए काफी ज्यादा बढ़िया था,
क्योंकि भाई यहाँ पर इंडस जो टीम थी वो गई थी IGDC 2023 में हैदराबाद में, जिसमें भाई यहाँ पर उन्होंने एक और कम्युनिटी प्लेटेस्ट किया एंड बंदों ने वहाँ पर जाकर गेम भी खेला था जो कि वहाँ पे गए थे उस इवेंट में, हैदराबाद में फिजिकल इवेंट था वो। और सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ पर ये हुई भाई, इंडस वहाँ पर अवार्ड भी जीत गया, बेस्ट अपकमिंग गेम ऑफ द ईयर अवार्ड वहाँ पर इंडस जीत गया। एंड ये चीज़ भी मैंने शेयर करी थी अपनी स्टोरी वगैरह पे जब ये चीज़ हुई थी, तो ये चीज़ भाई पॉसिबल हो पाई थी आप लोगों की वजह से एंड इंडस टीम भी मेहनत करी रही है एंड भाई हमने भी काफ़ी सपोर्ट किया था तो ये चीज़ हो पाई थी। अब उसके बाद नवंबर मंथ खत्म होता है, दिसंबर शुरू होता है जो कि अभी चल रहा है, लाइक खत्म ही होने वाला है। अब दिसंबर में हमारा एक और कैरेक्टर लॉन्च किया गया, मतलब जो कि एक फीमेल कैरेक्टर थी मैक बालिका। और इसी के बाद भाई दिसंबर में ही सुपर गेमिंग के और भी जो दो अदर गेम्स है ना, बैटल स्टार्स एंड सिली रॉयल, वो भी भाई यहाँ पर बेस्ट मेड इन इंडिया गेम एंड बेस्ट ऑफ द प्ले पास अवार्ड, ये अवार्ड भी भाई जीत गए थे प्ले स्टोर से। एंड उसके बाद भाई यहाँ पर अब जो दिसंबर चल रहा है उसी में एक मेन चीज हुई, 19 दिसंबर को भाई इंडस ने यहाँ पर अचानक से अनाउंस करा, मतलब सबके पब्लिकली अनाउंस नहीं करा, लाइक यहाँ पर इंडस ने अपने स्टूडियो के अलावा बाहर एक्चुअल घर में बैठे बंदों को एक्सेस दिया गेम का, जिसमें भाई मैं भी था, मैं भी खेला था एंड काफी सारे मतलब कुछ इनसाइडर्स भी थे। एंड फिर भाई उसके यहाँ पर एक दो दिन और टेस्टिंग चली, अगले दिन यहाँ पर भाई डिस्कॉर्ड के कम्युनिटी के बंदों को भी उन्होंने गेम दे दिया एंड वो भी हमारे साथ आकर गेम खेले एंड काफी मजा आया था हम सभी को खेलने में। अभी ये टेस्टिंग ना iOS में इन्होंने स्टार्ट करी थी। और देखो यार, गेम डेवलपमेंट में टाइम तो लगता ही है, मतलब अगर अच्छा गेम बनाना है, बट स्टिल यार इंडस गेम हमारी मतलब स्पीड से काम कर रही है एंड हमें जल्दी रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो हर मंथ कुछ ना कुछ उन्होंने प्लान कर रखा है एंड मे बी 2024 में तो हमें शायद और भी तगड़ी प्लानिंग देखने को मिलने वाली है। एंड एक चीज मैं क्लियर कर दूं भाई, 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दो मेन डेट है इनके लिए, मैं बता रहा हूँ ये दो मेन डेट है, इन दोनों डेटों पे ना कुछ बड़ा होने वाला है आगे, आपको देखने को मिलेगा 26 जनवरी और 15 अगस्त में जरूर से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा बड़ी चीज। तो बाकी यार आप सभी को पता है बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं, कोई गेम आ नहीं रहा है इंडियन गेम्स, बट यहाँ पर अब शुरू कर दिया इंडस ने लोगों को एक्सेस देना गेम का, धीरे धीरे शुरू किया गया है एक्सेस देना, मतलब धीरे धीरे बंदों को मिल रहा है गेम, अभी iOS वाले डिवाइसेस को मिल रहा है एंड धीरे धीरे और भी प्लेयर बढ़ते जा रहे हैं एंड ये ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी एंड्रॉइड प्लेयर्स को भी दिया जाए। बाकी आपको कैसे लगा वीडियो कमेंट में बता देना, यही था वीडियो में, वीडियो कर देना लाइक, न्यू हूं कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।